सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग पहला बार हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, और ये जो पेपर है इसका नाम हम लोग मॉडल पेपर दिए, लेकिन ये पेपर है 2019 का। इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, मॉडल पेपर वन। ऐसे 2019, 20, 21 सब पेपर एमसीक्यू में। देखो अगर आप ये सोचोगे ना कि दो चार क्वेश्चन हम याद करके चले जाओ मेरा एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा। एमसीक्यू समझने के ऊपर है। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करवाए, अब आपको पेपर सॉल्व करा रहे। तो सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद पेपर सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, और आज पहला बार हम लोग आईटी 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर सारा चीज, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए आप लोग भी बताना, ठीक है? आप लोग भी आंसर देना, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, सारे बच्चे आंसर देना, और जिनको आता रहेगा पता चलेगा सही है कि गलत है, और उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ग्रुप। अच्छा पेपर इसी पैटर्न में आएगा जैसा पैटर्न में हमने दिया है। बस हमें जो लोग आउटसाइडर हो, देखो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिए पेपर को। बस समझे ना, पेपर में देखिए पहले खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि आप सही करोगे गलत, ठीक है? आओ, ई सिक्योरिटी क्या है बताइए। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में 15 क्वेश्चन। एकदम बिल्कुल यही पैटर्न है पेपर का, बिल्कुल यही पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का आपका, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। यही पैटर्न में आपका पेपर इस बार आएगा, नो ऑप्शंस, ऑल कंपलसरी क्वेश्चन। 1 × 10, 2 × 15, 40 में 40 लाना है। 40 में कितना लाना है? 40। पहला देखते हैं कितना उठाया अभी। आप लोग सॉल्व किए हो ना, बताना। ई सिक्योरिटी इज बताइए, इमरजेंसी सिक्योरिटी, एसेंशियल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योरिटी, क्या? सर सब तो देखिए, सी वाला भी एक ही सा लग रहा है। सी वाला क्या लिखा हुआ, देखिए इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, क्या होगा? ए बी सी डी क्या? मार्क्स काउंट करते हैं, एक मार्क्स मिला आपको, आंसर विल बी इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी। देखिएगा कितना सही हो रहा कितना गलत, ठीक है? पास मार्क्स कितना है? 12। तो 12 लाना है क्या? नहीं, 40 में। और फायरवॉल इस पढ़ाई थे, बताइए फायरवॉल क्या है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। क्यों कितना अच्छा आंसर दे रहे, देख देख के नहीं ना, क्यों नेटवेट से आंसर होगा, नेटवर्क मारो। सब आया हुआ क्वेश्चन है, सब पढ़ाया हुआ है, टॉपिक है। टीपीएस का फुल फॉर्म भी पढ़ाए थे। रुको रुको देखते हैं कौन बताएगा। ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टैक्टिकल प्रोसेसिंग सिस्टम, क्या बोलो? ना बाबू, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम गलत हो गया ना। तीन में तीन, 40 में 40 होगा। जब 3 में 3 हो सकता है तो 40 में 40 भी हो सकता है। वो तो अभी रिजल्ट निकलने वाला, सेम टू का पता चलेगा। कुछ दिन और देखिए अच्छा है ना, जितना एग्जाम, जितना लेट रिजल्ट कर रहे हो लोग, लेट रिजल्ट देने में जितने डिले कर रहे उतना आपका एग्जाम होने में डिले होगा, सिंपल। तो उसको चीज़ों को ऐसे लिया करिए। MIS भी पढ़ाए थे, फुल फॉर्म बोलो, क्या कर रहा? 2019 में तो 35 क्वेश्चन दे दिया। कैसा क्वेश्चन? 35। आंसर क्या होगा बताइए? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी पढ़ाया हुआ था। बोले 4 में 4। सही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, उफ। इसमें से कौन सा सबसे छोटा यूनिट होता है डेटा प्रोसेसिंग? बोला है देखिए, फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड, कैरेक्टर, क्या होगा बताइए? राइट, कैरेक्टर। इसका आंसर क्या होगा बाबू? कैरेक्टर। उसके बाद डैश की इज अ की इन रिलेशन टू डेटा बेस विच इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। सबसे यूनिक की को पढ़ाए थे, क्या बोलते बताइए? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सब पढ़ाए थे ना क्लास में, चैप्टर 2 में जाकर देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए? प्राइमरी की आंसर होगा। 5 में 5 और 6 में 5 गए, गलत हो गया ना? गलत होगा तो काउंट करिएगा, हाँ उससे देखते। 6 में 5 हुआ आप लोग, वाह। इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी। और उधर ठीक से बैठिए, पैर नीचे करके बैठिए, भोज खाने आए हो लग रहा है। अब देखिए अगला है, चलिए बात नहीं। इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? साइबर क्राइम कौन सा नहीं है बताइए? इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा नहीं है बोला है? तो आंसर होगा बी वाला, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, अरे प्रॉपर्टी को फ्रॉड करके छीन लेना, इसमें साइबर क्राइम तो नहीं ना बाबू, तो फिजिकल क्राइम है। साइबर क्राइम का बात हो रहा, पढ़ाई तो थे साइबर क्राइम। अभी आपको वीडियो भी तो कल बनाए थे यूट्यूब पे, वीडियो कॉल स्कैम वाला। वीडियो कॉल स्कैम आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो कॉल स्कैम। इसके ऊपर हम कल वीडियो बना दिए यूट्यूब में, समझे ना? तो आप लोग भी देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, समझे ना? वीडियो कॉल में स्कैम, और आप लोग जिससे तिससे वीडियो कॉल में बात मत करिएगा, पहले बता दे रहे। नहीं तो ब्लॉक मारी, ब्लॉक ही क्यों मारिएगा भाई, इग्नोर करिए ना, यही तो बात है। सियाना बने जाए, ब्लॉक मारने गया, देखा आप बेचारा रिकॉर्ड कर लिया, कुछ मत करिए, टच ही मत करिए। देखिए अगला में गांव वालों, अगला में क्वेश्चन नंबर,
कंपनी कंपोनेंट्स ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट में क्या क्या आता है बताइए, सर्टिफिकेट के बारे में, लीगल रिकॉग्निशन के बारे में, ऑफेंस से कुछ दिन पहले तो पढ़ाया, ऑल ऑफ सारा वीडियोस देखने के बाद क्लास करके जब आप सॉल्व करिएगा ना तो आपको मजा आएगा। देखिए क्लास करके सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, एक आइडिया है कि हाँ ये सब पढ़े थे कहीं ना कहीं। बहुत ईजी पेपर है, लेकिन ये 19 का पेपर बहुत ईजी है। WWW उसके लिए जिसको आता है वर्ल्ड वाइड, किसका 9 में 9 किसी का था अभी पता चलेगा, रुको ना। HTML क्या है बताइए, पढ़ाई थी HTML क्या है, कोई फुल फॉर्म बताओगे, कोई फुल फॉर्म बताओगे, एक मिनट रुको, हार्ड अटैक, रुको रुक करके हार्ड अटैक जवाब दीजिए, आप लोग ऐसे बोलने पत्थर से मार दीजिएगा। आदित्य हाई जोर से बोलिए, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा, यस सुन के बोल दिया। देखिए 10 में 10 किसी का था, नहीं था, 9 8 8 नंबर, बाप रे बाप, 7 किसके, कौन सब में फेल है, 10 में 10 में 0। ऑनलाइन वाला अपना स्कोर बताइए, ऑनलाइन वाला अपना स्कोर बताइए, सब जगह ऑनलाइन वाले भी कमेंट में लिखिए आपका 10 में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि 10 में 10 आ रहा है, अपने भी देखिए दूसरों को भी दिखाइए। ग्रुप बी इन अ डैश ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डैश डेटा इज नॉट पॉसिबल। अब शुरू हुआ क्लेम किया 2 मार्क्स वाला। तो देखो जैसे आप एग्जांपल ले, सपोज आप ग्रुप ए में 10 में 10 किए, अब आपका स्कोर कैसे चेक होगा, देखिए सपोज 10 में 10 आप किया, 2 गलत हो गया तो आपको मिला कितना है 8, 10 में 8 सही है ना, तो 8 में से 2 मान लीजिए गलत हो गया तो 0.5 आपका माइनस हो गया, तो आपका आपका इफेक्टिव मार्क्स हो गया 7.5। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, जितना गलत हुआ उसको 25% कर दीजिए, दो गलत होने से कितना हो गया 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का 25% 0.5, अब मिला कितना है 8 में से 0.5 चला गया, आपका इफेक्टिव मार्क्स हो गया 7.5। ग्रुप ए में 7.5 ला चुके, और कितना चाहिए पास होने के लिए, 5 मार्क्स, बट 5 नहीं लाना है, नहीं 30 में 30 लाना है, 30 लगाना है, 40 कहाँ जाएगा। आइए यही वाला तो टफ रहता है, इन डैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश डेटा इज नॉट पॉसिबल, बताइए ट्राई करो। अब यहाँ से ए बी सब पढ़ाया हुआ है, ए बी सी डी बोलो क्या होगा, अपना अपना आंसर तो ना भाई, गलत होगा उससे ज्यादा कुछ होगा, लास्ट गलत से ज्यादा कुछ होगा, मार देंगे, मर्डर हो जाएगा, बताइए कौन बोलिएगा, कोई बोला ए कोई बोला बी, आंसर होगा इसका बी, सिक्वेंशियल रैंडम। देखिए सिक्वेंशियल अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो रैंडम डेटा कैसे देंगे, सिक्वेंशियल मतलब अगर 1 by 1 डेटा इंसर्ट करना है तो रैंडमली कैसे थ्रो करेंगे डेटा को, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्वेंशियल रैंडम, गलत हो गया, पहला बॉल में आउट, ऐसा ना हो कि पूरा माइनस में चल जाए, वहां पर 7.5 मिला है, यहाँ पर देखिए बेटा 8.5 चला गया, ये आपका रिजल्ट भी आ रहा है -1। अब भाई मजाक करे बाबू, इतना खराब दिन नहीं है आप लोगों का। डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट का रूल्स को क्या बोलते हैं, पढ़ाए थे बोलो, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, गेटवे या डोमेन, आंसर होगा प्रोटोकॉल, क्या बाबू प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बहुत टाइप का होता है ना, इसीलिए एग्जैक्ट ना प्रोटोकॉल, गलत हो गया ना, अधिया रमन देखिए, अरे रोहित ने आज इस तरह का ग्रुप पूरा खाली है, इस तरह का ग्रुप पूरा खाली है, हाँ पूरा गैंग खाली है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, बोथ ए एंड बी। अच्छा ये कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, लास्ट क्लास में ही पढ़ाए थे, पनिशमेंट, हैकिंग का पनिशमेंट क्या बताइए, ये नहीं बोलोगे भाई बात नहीं करेंगे आप लोग से, 3 साल का जेल है, 2 साल का 2 लाख रुपया फाइन, ऑप्शन क्या होगा बताइए, सी कि डी, डी होगा, ये अभी पढ़ाए थे, गलत हो गया ना, ये तो पढ़ाए था, गलत क्यों गया बाग यार, ये क्यों गलत हो गया, ये तो सही होना चाहिए था ना बाबू, ये तो किए थे, आप कॉपी खोल के देखिए कितना दिन पहले कराए थे, वो कौन सा चीज, रॉ फैक्ट, रॉ फिगर, इस सबको क्या बोलते हैं, आंसर होगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन, गलत हो गया, मार्क्स काउंट करिएगा, हाँ हम पूछेंगे, इसमें से कौन सा करेक्ट है, MIS शॉर्ट टर्म डिसीजन, DSS लॉन्ग टर्म, MIS लॉन्ग टर्म, DSS शॉर्ट टर्म, बोथ MIS एंड DSS यूज फॉर आइदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आंसर होगा सी वाला, MIS DSS दोनों में से किसी को भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप, सी होगा जी, सी, छे का क्या होगा, सी, इसका देखिए छे का क्या होगा बाबू, सी,
उसका चाहिए। कितना नंबर? डिक्रिप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ साइफर टू ओरिजिनल। राइट राइट यार अमन, देखिए अगर ईमेल में अगला में ये वाला हो गया बाबू, आपको कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, अगर ईमेल में बिना मतलब का मैसेज आ रहा, बिना मतलब का मेल आ रहा, उसको क्या बोलते हैं? स्पैम। हम क्लास में अपने एग्जांपल भी दिए थे आपको, स्पैम होगा आंसर। ये सब याद कर लीजिए अगर मैं आकर बढ़िया से एकदम, अगर इसमें से 5-6 क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है एग्जाम में तो क्या प्रॉब्लम है, आप तो गेनर हो गए। मिनिमम में सोचिए हमेशा। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या आएगा? अकाउंटिंग, पेरोल मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डीबीएस में इसका पहले फुल फॉर्म बताइए, क्वेश्चन पढ़ाया था ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डीबीएमएस क्या है पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द डेटाबेस स्ट्रक्चर, राइट, वेरी यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग अ सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर, राइट, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। गलत हो गया ना, ये भी गलत। देखिए जो नहीं आएगा एग्जाम में उसको छोड़ दीजिए, जबरदस्ती मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, तो जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे बाबू। कितना नंबर तक पहुंच गए? 10। इंटरनेट क्या है? लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, या वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कॉमन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद यूजर अनदर। सबसे अच्छा पढ़ के यही लग रहा आंसर ये होगा। इसमें सर इसमें सारा डेफिनेशन कवर्ड है, इसीलिए यही आंसर होगा। 11 का सी, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डू नॉट इंक्लूड। 11 का डी होगा जी, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या नहीं आता है? मीडियम स्टोरेज डेटा, रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस, उसका बेनिफिट कौन सा नहीं है? तो डी है, सॉरी बी है, बी रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस। देखिए क्लाउड का भी एक प्रॉब्लम है, कभी कभी स्पेस का प्रॉब्लम आता है बहुत, इस पर कौन सा बेनिफिट नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज है। एटीएम किसका एग्जांपल है बताइए? ऑनलाइन डेटा है, रियल टाइम, वेरी गुड, कोई बच्चा आप लोग से बोल, रियल टाइम, एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट आंसर दे रहे हो आप लोग। तो गलत हो गया ना, ये भी सही था। देखिए ये 19 का पेपर था, जबकि आप लोग बिना पढ़ के सॉल्व किए, कोई किसी को पता था कि पेपर सॉल्व होगा आज? अचानक से रूटीन दे दिया सुबह में कि आज आईटी करेंगे, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी 2 दिन कर लिए थे। आप लोग सोचिए बिना पढ़ के अगर इतना सही करें, पढ़ लेंगे तो क्या कर देंगे, समझ रहे हो ना? और अभी रियल निकलने वाला सेम टू का, देखिएगा बिना पढ़े क्या करेंगे और रियल में देखिएगा। डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल किस में होता है? यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटा बैंक, द टेक्निक ऑफ स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है? फायरवॉल, फायर मार दो एकदम। चलो 15 में 15 किसका? 15 हाँ, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के फायदा है। 15 में 14 किसका? नहीं किसी का। 13 किसका? नहीं किसी का। 12 किसका? नहीं किसी का। 11 किसका? ऑफलाइन में तो भाई 11 हाईएस्ट, 11 × 2 = 22। अच्छा तो जो गलत की हो उसका 50% माइनस करेंगे, 25%, तो 8 का 25% कितना होगा? 2। तो अगर 22 में से 2 कट गया 20 मिला आपको, 37 उड़ा लिया, 40 में 37 उड़ गया। ग्रुप में तो 10 सही था ना आपका, तो उधर 10, इधर पगला कर देगा तो ये लड़का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका 10 किसका सही था? 10 5 बच्चों का सही था। 9 किसका सही था? 9 वालों हाथ उठाओ, अब सब गलत था क्या? 8 किसका सही था? 8 बहुत बच्चे। 7 किसका सही था? 7 किसका? सब गलत हो गया, सब किसका? 5 था बच्चा, लोग 5 का इंतजार कर रहा, 5। अच्छा सुनिए, मिनिमम में लेट्स गो टू द मिनिमम, 5 इधर सही हुआ, 5 × 2 = 10। 10 में 10 तो गलत भी किए हो आप, तो 10 का 2 कितना? 20, 20 का 25% कितना होता है? 20 का 25% आ रहा होता है आपका 5, जा बाबा 10 में से 5 माइनस 5, और उधर मिला था 7.5 / 12.5। देखिए अभी समस्या क्या जानते हैं, देखिए गलती कहाँ हो रहा है पता है आपको? जो नहीं अभी तो हमारे क्लास में कर रहे प्रैक्टिस हम लोग, बट एग्जाम में जो नहीं आएगा उसको नहीं करेंगे। जैसे ग्रुप में मान लीजिए हमको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 10 आ रहा, 10 किए, 10 × 2 = 20 मिल गया। और ग्रुप ऐसे मान लीजिए 6 सही हो, मान लीजिए मिनिमम 26 मार्क्स मिल गया आपका, तो मिनिमम का बात करें, 25-26 तो मिनिमम उठा ही देंगे भाई। सो बच्चों अगला दिन फिर नया पेपर करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।